मैं वो मदद मैं उठ हुई नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत फनी फैमिली 0.2 में। तो अब हम यहाँ श्रीनगर से निकल रहे हैं अपने बड़े भाई साहब के घर में और वहाँ दिखाएंगे आपको अच्छी अच्छी जगह, जैसे कि दिखा मेरा लड़का दिखा रहा है आपको यहाँ पे कितने अच्छे पहाड़ हैं और अच्छी जगह आपको दिखाएंगे और अच्छे अच्छे बातें आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है, वहाँ का कल्चर दिखाएंगे आपको। तो चलो बने रहिए हमारे साथ और दिखाते हैं आपको नई नई चीजें। तो चलिए रख ले क्या जा रहे। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अभी श्रीनगर अपने ससुर जी के घर से और ये सब हमें विदा करने आ रहे हैं। और देखिए मेरे ससुर जी बिल्कुल आजकल के युवक, आजकल के लौंडे बिल्कुल चमकते हुए, सासू जी भी मेरी चमकती हुई। इतनी चढ़ाई पे गाड़ी चलाना भी बहुत महाभारत होता है यहाँ पे, और आगे से अगर कोई गाड़ी आ जाए ना फिर तो जान हलक में आ जाती है। तो ऐसे ही रास्ते आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर पहाड़ों में गाड़ी चलाना कितना खतरनाक होता है। तो देखिए दोस्तों मेरी वाइफ ये पानी के साथ खेलती हुई, और देखिए बिल्कुल ये नेचुरल वाटर है। ये तो मजा आ रहा है। छोटी बच्ची हो क्या? तो दोस्तों मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि एक गांव कैसी जगह में बसा हुआ है अभी। तो देखिए ये गांव देखिए कैसी जगह में बसा हुआ है। ये गांव देखिए पूरा पहाड़ी के ऊपर है। ये देखिए इधर से भी कट है, उस साइड से भी कट है, उस तरफ से भी कट है। तो ये पहाड़ी इतनी मतलब बोलते हैं पहाड़ी बहुत मजबूत है कि चाहे कितना भी भूकंप आ जाए, कितने भी मतलब पानी आ जाए, बारिश आ जाए, तो ये मतलब पहाड़ी टस से मस नहीं होती। जंगली है तो जंगली अच्छा लगेगा तेरे को। कुछ नहीं आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ अब। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे पियेंगे चाय, और चाय के लिए बहुत मशहूर दुकान है ये। और बाजी कितने साल हो गए नहीं दुकान थे हैं? तकरीबन 20 से 25 साल पुरानी दुकान है ये। और मैंने भी कम से कम जब 20 साल पहले काफल लेने आया था यहाँ पे, काफल एक फल होता है हमारे इसमें, तो मैंने यहाँ पे चाय पी थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। और देखिए जैसे कि मौसम आज कितना सुहावना है यहाँ पे, और मैंने बोला था ना कि देखो बादल कैसे उड़ रहे हैं, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कितनी खुश है आज। फोटो खींचने के लिए बोल रही है, तो उससे अच्छी मैं इसकी ना फोटो खींच लूँ। अच्छा खींचता, रुक जा। मेरे साथ अन्याय हुआ है। हमारे यहाँ का फेवरेट फूल ये देखो कितना सुंदर फूल है ना। और ये पापा मम्मी पी रहे चाय, मम्मी खा रही है चाय एक साथ बंद। अच्छा और मम्मी मैं भी खा रहा हूँ। हाँ चलो पापा भी खा रहे। बचपन की याद आ गई, उधर भी दिखा के चित्र। और ये यहाँ पे इस आग वाले चूल्हे में बनती है वो चाय। सही है। तो कैसा लग रहा है, ऊपर से बारिश भी आ रही है, अंदर तुम बैठ के मैगी खा रहे हो, फूल आनंद ले रहे हो पहाड़ों में है। तो दोस्तों इसको ये फूल पसंद आया तो इसने इसको तोड़ के ही माना, और कहीं फूल वाला हमें गाली ना दे जिसने ये पौधा लगाया है। आपके लिए लाई हूं मैं, पकड़े। अच्छा मेरे लिए? क्या बोला तूने? मेरे लिए। तो दोस्तों जो मैं आपको ऊपर ये चोटी दिखा रहा हूँ, इस चोटी का नाम है ऋषि पर्वत। और बोलते थे कि यहाँ पे अपने भृगु ऋषि ने जो है अपने जो उनके चेले थे उनके साथ तपस्या की थी। देखिए कैसा पहाड़ है, बिल्कुल अटल पहाड़ है ये, क्योंकि ये जो रोड है ना बहुत खतरनाक रोड है और बहुत खतरनाक तरीके से ये काटी गई है ये रोड। और देखिए कितनी गहरी खाई है यहाँ पे, अगर एक बार स्वाहा हुआ तो वो दोबारा बिल्कुल स्वाहा ही माना जाएगा। और देखिए कितने भयंकर भयंकर पहाड़ है यहाँ पे। फाइनली दोस्तों हम उतर चुके हैं मेरे हस्बैंड के नानी के हाउस पे। मेरी नानी तो घर पे नहीं थी, पर इनकी नानी के घर तो जाना ही पड़ेगा भाई, रास्ते में पड़ता है। और देखो ये गांव का कुत्ता देखिए कितने तगड़े दिखते होते हैं। बटू मैं तो फाइनली दोस्तों हमने गाड़ी खड़ी कर दी यहाँ पे, और अब हम जाएंगे भाई साहब के घर में।
बस यहाँ से कुछ ही कदम दूर है और गाड़ी बंद कर देता हूँ। भाई गाड़ी बंद कर ली तुमने? और देखिए बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। तो फाइनली हम भाई साहब के घर पहुंच चुके हैं और ये रहा भाई साहब का घर। और दिखाता हूँ क्या क्या इन्होंने कर रखा है आजकल घर में। यहाँ अब शुरुआत देखो कितनी अच्छी घर की। ये फूल देखिए क्या बात है भाई साहब। और ये देखिए करेला जो मुझे पसंद नहीं है। और ये जूली भी स्वागत के लिए आ चुकी है। हेलो जूली, हाउ आर यू? हेलो हेलो, भाग गई जूली। पूर्व क्या बनाऊं? ये यहाँ पे भरत मिलाप हो रहा है। जूली तू रोक ही रही है। तो फ्रेंड्स ये भाई साहब अभी कर रहे हैं जाल तैयार मछली का। और अभी हम जा रहे हैं नदी में मछली का जाल लगाने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखे हम ये कर रहे हैं बिल्कुल जाल तैयार कर रहे हैं। ये पत्थर लगा दिए हमने नीचे और इसका जाल है। ये हम जगह मौसम पत्थर लगाएंगे नीचे नीचे। यहाँ भी हमें पत्थर लगाना है। पत्थर लग रहे हैं ताकि ये पानी में डूबी रहे और बह न पाए। तो भाई साहब ने जैसे कहा कि ये पत्थर हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये ताकि पानी में डूबे ना और जाल नीचे रहे। तो वो तो ये तैयारी हो चुकी है और हमारे नदी में गिर में जाना पापा। वैसे भी आपको स्विमिंग आती है। अरे पापा डरते हुए डर के आगे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जाल तो हमने लगा दिया है। अब हम सुबह आएंगे यहाँ पे तो देखते हैं सुबह कितनी मछलियाँ फंसती हैं यहाँ पे। तो ये तो किस्मत की बात है। कल शाम को हमने जाल बिछा दी थी मच्छियों की। अभी हम मच्छी पकड़ने जा रहे हैं और जाल लेने जा रहे हैं। आप देखिए कैसे हम मच्छी पकड़ते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि भाई साहब ने बताया कि कल रात हम जाल बिछाने जा रखे थे और यहाँ पे बारिश बहुत हो रही है 3-4 दिन से और पैर बहुत रपट रहे हैं। और कल रात को हमने बड़ी मुश्किल से जाल बिछाया। बारिश भी लगी हुई है और मैं आपको थोड़ा मौसम दिखा दूं कैसा हो रखा है यहाँ का। ये देखिए हमारी मेम साहब हमें बाय करते हुए। और बच्चे भी हैं क्या? ये देखो इनको। ये देखिए खेत, ये मंडवे की खेती है और इसका जो आटा है ना बहुत महंगा मिलता है दोस्तों। कम से कम 200 रुपए किलो इसकी बोली है। और आजकल जो हमारे शहर में लोग रहते हैं ना तो इसकी एडवांस बुकिंग होती है। और ये देखिए दोस्तों कितना खतरनाक रास्ता है यहाँ पे और हमको बिल्कुल सावधानी से जाना पड़ रहा है। दीवाल है। अरे भाई साहब हमारे बिल्कुल सुपरमैन की तरह उड़ते हुए। मैं भी थोड़ा सुपरमैन बन जाऊं। देखिए भाई साहब अब जाने वाले हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। और क्योंकि मेरे को तो ना वीडियो शूट करनी पड़ रही है तो मैं भी खिलाड़ी हूं इन चीज़ों का। और भाई साहब तो पुराने खिलाड़ी हैं और इन्हीं से हमने सब कुछ सीखा है। और पानी ठंडा भी बहुत है। बाप देखते हैं कहाँ तक हमारी मेहनत सफल होती है यहाँ पे। भाई साहब जान देखेंगे यहीं पर लाके तो शायद हमने कल रात शाम को। और सुनना भी नहीं है कहीं मोबाइल गिरा तो समझ लो सुना लग रहा मोबाइल का भी। बिल्कुल संभल के जाना पड़ेगा हमें। और बाप रे बाप पानी तो काट नहीं पा रहा है। हाँ नहीं सोचो मैं यहीं पे हूँ। बिल्कुल बहुत सावधानी से हर काम करना पड़ता है। देखिए दोस्तों कितना तेज पानी आ रहा है यहाँ पे। और अगर बह गया ना कहीं तो पत्थरों में लग के वैसे डूब के मरेगा। ये देखिए थोड़ी सी गलती हुई तो देखिए क्या कैसा हाल होगा हमारा यहाँ पे। या मैं तो सही साइड में थोड़ा पर ये गलती हमारा मतलब बहुत कुछ बिगाड़ सकती है यहाँ पे। ये देखिए जाल, देखिए मुझे लगता है जाल बह गई है। तो जाल बह चुकी है और सारी मेहनत पानी में फिर चुकी है हमारी। और क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज हो गया था रात को बारिश से कि कल ना इतना पानी नहीं था इसमें। तो जाल मिल चुकी है आखिर में हमारी। और
पानी के बहाव से बह गई थी, तो मछली एक दो तीन चार, तो देखिए मेहनत बर्बाद नहीं जाती। और ये देखिए ये फंस गई, वाह काफी मछलियां फंसी हैं, देखिए कम से कम 12-13 मछलियां। तो मजा आ गया हमारे आज, और हमारी मेहनत सफल हुई, और हमने सोचा था कि मुश्किल है लेकिन भाई ने कर दिखाया। और तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको दिखाया अभी कि मछली पकड़ने का कैसा साधन होता है, और जान जोखिम में डाल के हमने तो क्या मतलब, चलो मैं भी शूट कर रहा था लेकिन भाई साहब ने देखो कितना गहरा पानी था, कितना पानी का बहाव तेज था, फिर भी हमने जाल को ढूंढा। तो दोस्तों मैं अब इस ब्लॉग को यहीं पे विराम देता हूं, और नेक्स्ट ब्लॉग की मैं तैयारी कर रहा हूं, और उसमें दिखाएंगे कि हम कैसे मतलब गढ़वाली रेसिपी खाते हैं, पीते हैं और बनाते हैं, और उसमें और भी कुछ दिखाऊंगा कि गढ़वाल में कैसे पानी के धारे फूटते हैं, और बहुत कुछ है दिखाने को। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।